मेट्रो 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 दिल्ली घुमा के ले। डिटेल दी आपको मेट्रो के बारे में और साथ में वो प्रोजेक्ट भी दिखाया। अगर आप टैक्सी बुक करते हैं ना 400-500 तो मांगेगा ही मांगेगा यहाँ तक, तो मैं आया खाली 20-30 रुपए में। बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है। सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस कैसे हो सभी लोग, उम्मीद है सब अच्छे से होंगे। आज की व्लॉग की शुरुआत ना मैं दिल्ली से कर रहा हूँ। आज ना मैं आपको मेट्रो में घुमाने ले चलता हूँ और वहां से मेरे को कुछ काम है, मेट्रो के बारे में भी आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देंगे, तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला आज के व्लॉग में। वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज गाइस सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी ऑल कीजिए ताकि मैं जब भी कोई वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। दिल्ली घूमे गाइस, दिल्ली। तो गाइस फाइनली निकला मैं दिल्ली घूमने के लिए। अभी ना मेरे को यहाँ से चल के जाना है मेट्रो स्टेशन, ठीक है। यहाँ से अभी सबसे पहले मेरे को जाना है उत्तम नगर वेस्ट, वहाँ पे मेट्रो स्टेशन है, ठीक है। अभी ना मैं द्वारका में हूँ, चले फिर जाते हैं भाई लोग। भाई ट्रैफिक देखो, ट्रैफिक है दिल्ली में यार। यहाँ पे ना माइक के बगैर वीडियो नहीं उठा सकते, इतना शोर है यहाँ से। ओ भाई साहब क्या ही करे यार। अब ना मेरे को बहुत पास फोन रखना पड़ रहा है तब जाके आपको सुनाई देगा, वरना यहाँ पे कुछ सुनाई नहीं देगा ट्रैफिक की वजह से। गाइस फाइनली पहुँचा मैं उत्तम नगर वेस्ट मेट्रो स्टेशन, ठीक है। बहुत ज़्यादा चलना पड़ा मेरे को ना, द्वारका मोड़ से यहाँ तक आना पड़ा क्योंकि रास्ते में मेरे को थोड़ा बहुत काम था। तो आज मैं आपको फुल डिटेल दूंगा कैसे क्या मेट्रो करते हो। ओके, ये देखिए यहाँ पे मेट्रो रूट। अभी मुझे सबसे पहले ब्लू लाइन पे चढ़ना है प्लेटफॉर्म नंबर 1, ओके। फिर आगे जाके मेरे को चेंज करना है जनकपुरी वेस्ट में, ठीक है। उधर पे चढ़ना है पिंक लाइन पे प्लेटफॉर्म नंबर 3। चले अभी मेरे को मेट्रो कार्ड भी है उसमें रिचार्ज करते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। टोकन भी आप निकाल सकते हो और क्या बोलते हैं इसको, अगर कार्ड होगा तो उसमें खाली रिचार्ज डालना है। टोकन होता है ना वो यहीं पे देते हैं, ठीक है। लेकिन जो कार्ड होगा उसमें आप खुद रिचार्ज कर सकते हो, यहाँ पे भी रिचार्ज हो सकता है। जी देखिए ये रहा मेरा मेट्रो द कार्ड, इसमें पहले रिचार्ज करवाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ना मैंने काउंटर पे रिचार्ज करवाया, वरना खुद भी कर सकते हैं। बहुत टाइम के बाद मैंने मेट्रो कार्ड यूज़ किया ना, तो जैसे मैंने सोचा कि काउंटर पे करवाते हैं। तो गाइस ये देखिए अभी हमको जाना है प्लेटफॉर्म नंबर 1, ठीक है, टुवर्ड्स नोएडा सिटी। चलिए जी देखते हैं कहाँ पे प्लेटफॉर्म नंबर 1, और ये रहा प्लेटफॉर्म नंबर 1 ना। तो भाई लोग ये देखे मेट्रो रूट, मेट्रो स्टेशन उत्तम नगर वेस्ट। सही है ना, भीड़ से करो कितनी ज़्यादा यहाँ पे। और ये आ गई हमारी मेट्रो, थोड़े टाइम के बाद ही आती है, मुझे लगता है कुछ मिनट का वेट करना पड़ता है, उसके बाद और एक मेट्रो आ जाती है। खुल जा सिम सिम। तो गाइज अब ना मेट्रो चेंज करने का टाइम आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे मेरे को अब मेट्रो चेंज करनी है पिंक लाइन के लिए, देखते कहाँ से जाना पड़ेगा, साथ में आपसे भी शेयर करते हैं, ओके। तो गाइज ये देखिए प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे मेरे को जाना था ना, तो ये री मैजेंटा लाइन, पिंक लाइन ही बोलते हैं इसको, बोलते हैं मैजेंटा लाइन, मैं भूल गया था, ठीक है। तो इसको भी फॉलो कर सकते हो आप, या तो बोर्ड ये सब पढ़ लो, ठीक है। मैजेंटा लाइन में जाना है मुझे, फिर वहीं से जामिया मिल्लिया इस्लामिया। गाइस मैं आपको बताता हूँ, अगर किसी को मेरी तरह पता नहीं हो ना मेट्रो का, वो कैसे निकाल सकता है मेट्रो रूट। अभी मुझे जाना था उत्तम नगर वेस्ट से जामिया मिल्लिया इस्लामिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सर्च किया गूगल पे जामिया मिल्लिया इस्लामिया, वहाँ पे जो आपको पहली साइट आएगी ये देखिए उत्तम नगर वेस्ट टू जामिया मिल्लिया इस्लामिया, यहाँ पे क्लिक कीजिए तो ये आपको फुल बताएगा। देखिए उत्तम नगर वेस्ट, ठीक है। यहाँ से आपको ब्लू लाइन पे चढ़ना है प्लेटफॉर्म नंबर 1, सब कुछ दिखाएगा, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे ये भी बताएगा कहाँ पे चेंज करनी है ट्रेन। ये देखिए जनकपुरी वेस्ट मैजेंटा लाइन पे चढ़ना था मुझे, जो कि है जनकपुरी वेस्ट, ठीक है। यहाँ से आपको डायरेक्ट जाएगी ट्रेन जामिया मिल्लिया इस्लामिया। तो ये आपको सब कुछ बताता है कहाँ पे आपको चेंज करना है और कहाँ पे नहीं, ओके। तो ऐसे करके आप यहाँ के मेट्रो रूट देख सकते हो, इसलिए यही ईजी होता है, ठीक है। बाकी लोग तो ऐसे फॉलो करते हैं कि ब्लू लाइन मैजेंटा लाइन पे चढ़ना है, वैसे चढ़ना है। जिनको इसके बारे में थोड़ा बहुत पता हो, उसको मेरी तरह नहीं पता हो ना मेट्रो के बारे में, उसको यही फॉलो करना पड़ता है गूगल ये सब करके, ठीक है। तो ये देखिए ये रहा मैजेंटा लाइन, यहाँ पर मेरी मेट्रो आएगी।
गाइज आज ना मैं पहली बार ही दिल्ली अकेले घूम रहा हूँ। हाँ थोड़ा सा अजीब सा फील हो रहा है, अकेले फील कर रहा हूँ, लेकिन क्या करें, व्लॉग तो बनाना ही है ना। चलिए कोई नहीं, अभी यहाँ पे मेरे को चेंज करना था मेट्रो ताकि जामिया मिल्ला इस्लामिया के लिए, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ मेट्रो रूट ही दिखाता हूँ आपको। ये देखिए भाई साहब, जनकपुरी वेस्ट प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आ चुका मैं टुवर्ड्स बॉटनिकल गार्डन, क्योंकि मुझे छोड़ेगा डायरेक्ट जामिया मिल्ला इस्लामिया जो कि बटला हाउस के नज़दीक वाला स्टेशन है। आ चुकी मेट्रो, मेट्रो मेट्रो दिल्ली घुमा के ले। तो गाइज फाइनली पहुंचा मैं जामिया मिल्ला इस्लामिया मेट्रो स्टेशन, ठीक है। तो यहीं से वो बटला हाउस जहाँ पे मेरे को जाना है वहाँ पे कुछ काम है, फिर जाते हैं वापस। ये देखो यहाँ पे रिक्शा मिल रहा है हरी मस्जिद पहलवान चौके सबके लिए हर तरफ से। बस शोर ना यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा है, यहाँ पे ना शांति नहीं है दिल्ली में, ठीक है। तो थोड़ी सी यही प्रॉब्लम है यहाँ पे, बाकी तो मस्त है। चलो जी गाइस यहाँ से जाना है मुझे। ये देखो यहाँ से भी ना बहुत ही बड़ा मार्केट है, ठीक है। बटला हाउस साइड भी बहुत बड़ा मार्केट है, आगे जाके वो जाकिर नगर ये सब आता है वहाँ से भी बड़ा मार्केट है, और यहाँ से पूरा वो स्ट्रीट मार्केट लग जाता है, लेकिन अभी नहीं लगा हुआ है। मेरे को लगता है शाम के टाइम अच्छे से यहाँ पे लगता है। ये देखो ऐसे हर तरफ से मार्केट लग जाता है यहाँ पे। तो ये देखो भाई लोग सीधे जाते हैं जाकिर नगर, यहाँ से देखो कितना बड़ा मार्केट है, ठीक है। लेकिन अभी हम वहाँ से नहीं जाएंगे, अभी मेरे को यहाँ से काम है, किसी और दिन मार्केट जाते, ठीक है। यहाँ से तो हर तरफ से मार्केट ही मार्केट है भाई। कश्मीर में तो मैं माइक के बारे में सोचता भी नहीं हूँ, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा शोर शराबा नहीं होता ना, यहाँ पे भाई शांति नहीं है भाई, इतना ट्रैफिक इतना ट्रैफिक। फ़ोन ना मैंने मुंह के साथ लगा रखा है तब जाके मैं वीडियो उठा पा रहा हूँ, तब जाके आपको थोड़ा वो सुनाई देगा, वरना भाई यहाँ पे तो बहुत ही मुश्किल है ऐसे। यहाँ पे ना वो 50-60,000 तक की माइक होनी चाहिए तब जाके वॉइस क्लियर आएगी। तो गाइज़ अभी ना मैं सबसे पहले कुछ खाता हूँ, क्योंकि मैं सुबह 11 बजे निकला हूँ, अभी 3 बज चुके हैं, अभी तक मैंने कुछ नहीं खाया है। पहले कुछ खाते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है यार। तो भाई अभी मैं आ चुका हूँ छोले भटूरे खाने के लिए। ओके भाई लोग ये आ चुके छोले भटूरे, यहाँ खाते हैं फिर मिलते हैं आपसे। तो भाई छोले भटूरे तो हो गए मस्त, अब मैं अपना काम निपटाता हूँ, ठीक है, फिर वापस ही जाते हैं, क्योंकि आज पहला दिन है ना दिल्ली में, आज ज़्यादा नहीं घूमते, पहले मैं काम निपटाता हूँ फिर वापस जाते। ओके तो गाइज ये देखिए यहाँ से भी प्रोजेक्ट चल रहा है, ठीक है। ये ना लेकिन बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है, यहाँ से हाईवे बन रहा है ना, यहाँ पे लोगों को पूछा बोला यहाँ पे मुंबई एक्सप्रेस का हाईवे बन रहा है, ठीक है, कि आगे जाके हरियाणा ये सब के लिए निकलेगा हाईवे। इसमें तो बहुत टाइम लगेगा क्योंकि बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है। ये देखो ये जो फ्लाईओवर है ना, ये ना वहाँ आश्रम से होके फिर आगे जाके फरीदाबाद से मिलता है, ठीक है। मतलब यही हाईवे से आप जा सकते हो हरियाणा हो, या मतलब वही ना हाईवे के साथ ये कनेक्ट होगा आगे जाके, ठीक है। ये बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है, यहाँ पे लोगों से पूछा उन्होंने ऐसा बोला, बाकी इसके बारे में तो ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है। अब से चल रहा था तो सोचा आपको भी बताता हूँ कि ये कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है यहाँ पे। भाई अगर यहाँ पे कोई होता तो इसके बारे में आपको पूरी डिटेल देता, लेकिन मैंने सुना दिल्ली आश्रम से लेके आगे जाके फरीदाबाद कालिंदी कुछ और मुंबई एक्सप्रेस के साथ ही मिलेगा, ठीक है। मुंबई एक्सप्रेस के साथ ही मिलेगा ये वाला फ्लाईओवर, मतलब यहीं से आप हरियाणा ये सब के लिए जा सकते हो आराम से। ये बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है, मुझे लगता है पिछले 3-4 साल से इसके ऊपर काम चल रहा है, पता नहीं कब रेडी होगा वो तो नहीं पता, बाकी बहुत काम हो चुका है इसका, लेकिन टाइम तो अभी भी लगेगा इसमें। तो गाइस आज मैंने आपको बताया कि मेट्रो में आप कैसे जा सकते हो, फुल डिटेल दी आपको मेट्रो के बारे में, और साथ में वो प्रोजेक्ट भी दिखाया, उसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, जितना मुझसे हो पाया उतना दिखाया। बाकी मेट्रो में यही रेट होती है 20-30-40-50। अभी मैं उत्तम नगर से बटला हाउस आया, मैं तो वही 30-40 रुपीज़ लगे होंगे। अगर आप टैक्सी बुक करते हैं ना 400-500 तो मांगेगा ही मांगेगा यहाँ तक, तो मेट्रो में आया खाली 20-30 रुपये में। तो हाँ बिल्कुल सस्ते प्राइस में आप यहाँ पे दिल्ली घूम सकते हो, वो भी मेट्रो में। ओके चलिए अभी मैं पहुँचा मेट्रो स्टेशन, आप जाते हैं डायरेक्ट वापस द्वारका।
गाइस फाइनली पहुंचा मैं घर। आज के वीडियो में मैंने आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दी दिल्ली मेट्रो के बारे में, बाकी यहाँ के बारे में तो ज़्यादा कुछ नहीं पता। हाँ जगह ये सब पता है, लेकिन आप लोग ना कमेंट करके ज़रूर बोलना दिल्ली में आपको क्या देखना है जिसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ, ठीक है। तो आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहे, बाय बाय।